टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों। महाराष्ट्र में रविवार से लगातार लगभग 4000 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। मुंबई के अंधेरी, पूर्व मुलुंड, बोरेवली, चेंबूर में फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब तक 810 इमारतों को सील कर दिया गया है, 76 कंटेनमेंट जोन एक्टिव। मुंबई में बढ़ते कोरोना को देखते हुए मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोकल ट्रेन में सफर किया और यात्रियों से गाइडलाइन फॉलो करते हुए मास्क लगाने को कहा है, जो बेहद ही आवश्यक। भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला कैदी को फांसी की सजा हुई है। अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी के साथ 2008 में अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी। शबनम को फांसी की सजा हुई है। दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। पवन जल्लाद इन्हें फांसी देंगे, अभी तक तारीख तय नहीं। यूपी पुलिस ने PFI के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देश को दहलाने की साजिश करने वाले दोनों आतंकियों को यूपी के लखनऊ के गुड़म्बा पिकनिक से गिरफ्तार किया गया है। थाने क्राइम ब्रांच ने हथियारों की बिक्री करने आए कैलाश सिंह चावला को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 7 माउजर पिस्टल, 2 मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मोबाइल से बात करना, इंटरनेट यूज करना अब महंगा पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल से 2021-22 में रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां टैरिफ महंगा कर सकती हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि सेंचुरी लगने ही वाली है। पेट्रोल 96 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 86.98 रुपये प्रति लीटर मुंबई में है। गोंडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। राजेश पांडे, राजन उर्फ शांति, ताहिर अली, राजकुमार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ASP शिव राज ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास से पिस्टल और हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही चोरी की गई वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। 1000 फीट की ऊंचाई से चट्टान से गर्भवती महिला को धक्का देकर दर्दनाक मौत दे दी है। पहले 40 वर्षीय हकान आयसल ने 32 साल की गर्भवती समेरा आयसल के साथ रोमांटिक सेल्फी ली और फिर 1000 फीट ऊंचाई की चट्टान से इसे नीचे धक्का दे दिया। मिस इंडिया रनर अप का ताज पहनकर पापा के ऑटो रिक्शा पर मान्या सिंह ने सवारी की। इस दौरान मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मान्या सिंह ने तमाम आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।